गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई क्लास। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक बॉटनी या आर्थिक वनस्पति विज्ञान में कपास या गॉसिपियम स्पीशीज़ का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम साल या शोरिया रोबस्टा, जो कि एक वुडी ट्री है, टिम्बर ट्री है, का अध्ययन करेंगे। साल इज़ द बेस्ट स्लीपर ट्री। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक महत्व रहा है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। जड़, तना, पत्ती सभी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे औषधियाँ बनाई जाती हैं और कई तरह के रोगों का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इसका किंगडम प्लांटी, सब किंगडम ट्रेक्योफाइटा, जिसमें वैस्कुलर प्लांट्स या संवहनी पौधे आते हैं। वे प्लांट जिनमें जाइलम, फ्लोएम व कैम्बियम मौजूद होती हैं, मीन्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम सेपरेशन लेयर होती है, कैम्बियम के कारण ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम फूड कंडक्शन करता है। सुपर डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें सीड प्लांट्स आते हैं। डिवीज़न इसका मैग्नीलियोफाइटा है, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट रखे गए हैं। क्लास मैग्नीलियोप्सिडा होती है, जिसके अंतर्गत डाइकोटिलीडन्स आते हैं। डाइकॉट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जिनमें मूसला जड़ तंत्र या टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। साथ ही जो पत्तियां होती हैं उनमें जालिका व शिरा विन्यास देखने को मिलता है। ऑर्डर थियल्स, फैमिली डिप्टियोकार्पेसी, जीनस शोरिया और स्पीशीज रोबस्टा। इट मीन्स साल का बॉटनिकल नेम शोरिया रोबस्टा है, जो डिप्टियोकार्पेसी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। मुख्यतः यह भारत, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशियन देशों में उगता है। इसके अलावा भारत में हिमालय के तराई क्षेत्रों में, पंजाब की कांगड़ा की घाटियाँ, आसाम में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। साथ ही यह सेंट्रल बेल्ट, इंडियन बेल्ट में स्थित राज्यों जैसे पचमढ़ी, छोटा नागपुर, गोदावरी नदी के क्षेत्र में भी उगता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स या पादप लक्षण। साल का वृक्ष लंबा, विशाल तथा युथी होता है, जिसकी लंबाई 30 से 40 मीटर होती है तथा तने का डायमीटर 4 से 7 मीटर तक होता है। मुख्य स्तंभ के आधारी भाग में शाखाएँ एब्सेंट होती हैं। तना मोटी छाल द्वारा ढका रहता है, जिसकी दरारों से ओलियोरेजिन का सिक्रेशन होता है। यहाँ ओलियोरेजिन बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व होता है, जिनके द्वारा कई तरह की दवाइयाँ या औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसकी लीफ सरल, चरमील तथा 10 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ आप लीफ देख रहे हैं, जो कि चरमील होती है। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है जिसमें, जो कि डाइकॉट प्लांट का कैरेक्टर होता है, जिसमें जालिका और शिरा विन्यास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर छोटे हल्के पीले रंग के कक्षीय तथा शीर्षस्थ टर्मिनल पेनिकल्स में विकसित होते हैं। फल अंडाकार, अस्फुटनशील, एक बीजीय, पक्षमी युक्त, समारा प्रकार के होते हैं। इसके लिए टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है तथा वार्षिक वर्षा या एनुअल रेन 300 से 450 सेंटीमीटर तक उपयुक्त होती है। वर्ष भर नम वातावरण इसकी अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसलिए हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में यह प्रभावी वृक्ष के रूप में उगता है। इसके लिए छिद्रित मृदा या कंकरीली ग्रेवल सॉइल उपयुक्त रहती है। साल को बीजों द्वारा उगाया जाता है। बीजों की जीवन क्षमता अल्पकालिक होती है, अतः बीजों को तुरंत मैच्योर होने के बाद जून जुलाई में क्यारियों में बोकर सीडलिंग तैयार कर लेते हैं। एक वर्ष पुराने पौधों को, नवोद्भिदों को गड्ढों में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रत्येक पौधे के मध्य में 4 से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। जब प्लांट 30 से 40 वर्ष का हो जाता है, तब इससे काष्ठ या लकड़ी प्राप्त कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है प्रॉपर्टी ऑफ फूड या काष्ठ के लक्षण। साल की काष्ठ स्पष्ट रूप से सैप फूड या रस काष्ठ
तथा अंतःकाष्ठ या हर्टवुड में विभेदित रहती है। यानी कि यदि हम इसके स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब इसमें लाइट और डार्क रीजन स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा लेयर्स स्पष्ट दिखाई देती हैं हर्टवुड और सैपवुड की। सेकंड पॉइंट, रस कास्ट भारी परत होती है जो हल्के भूरे रंग की होती है, मीन्स जो सैपवुड है वो आउटर लेयर होती है और लाइट रीजन को शो करती है। अंतःकाष्ठ भीतरी परत होती है जो गहरे भूरे रंग की होती है। जो इनर लेयर होती है अंतःकाष्ठ या हर्टवुड होती है वो इनर लेयर होती है और वो डार्क कलर को इंडिकेट करती है। अंतःकाष्ठ खुरदुरे संगठन की तथा विस्तृत छिद्र प्रकार की होती है। छिद्र चौड़े व्यास के तथा टाइलोसिस द्वारा अवरुद्ध रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट ऑफ साल ट्री, साल पेड़ के फायदे क्या हैं या मेडिसिनल यूजेज ऑफ साल ट्री या शोरिया रोबस्टा। फर्स्ट पॉइंट इज घाव भरने में। साल के पेड़ का उपयोग सूजन और दर्द को ठीक करने में किया जाता है क्योंकि इसमें राला नाम का एक शक्तिशाली एस्ट्रिजेंट होता है जिसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं और मल्लम बनाने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, फ्रैक्चर ठीक करने में। जब हमारे को चोट लग जाती है, हड्डियाँ फ्रैक्चर, बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है, तब साल ट्री बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। साल के अंदर भगना साधना कृत तत्व होता है जो शरीर को ठीक करने में हेल्प करता है। आयुर्वेद में साल के पेड़ का फ्रैक्चर में बहुत उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दाग धब्बे हटाने में। साल को जली हुई त्वचा पर लगाते हैं तो ये त्वचा को ठीक करना शुरू कर देता है और घाव भरने में भरने के बाद जो निशान रह जाते हैं उनको भी हटाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन दूर करने में। साल के अंदर विषाहा नामक एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर को विषाक्त पदार्थों से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे को इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन की मरम्मत करने में। त्वचा की मरम्मत करता है। साल के पेड़ के अंदर वज्रना शोधना तत्व होता है जो हमारी त्वचा की अच्छी तरह से मरम्मत करता है या रिपेयरिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर से बदबू दूर करने में। पेड़ में स्वेधरा तत्व होता है जो शरीर की दुर्गंध या पसीने की बदबू को दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साल मेडिसिनल यूजेज में, जो साल की ट्री होती है उससे रेजिन निकाला जाता है और इस रेजिन से डिसेंट्री, वीक डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जब बर्न इंजरी हो जाती है तब इसके तेल में गम्स या रेजिन मिलाकर इसको गर्म किया जाता है 20 मिनट तक और फिर एक पेस्ट रेडी किया जाता है। इस पेस्ट को हीलिंग पॉइंट पर लगाया जाता है जिससे इस हीलिंग कंडीशन को जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। पॉलीयूरिया, इमेसिएशन, एनीमिया जैसे रोगों का उपचार भी साल के द्वारा कर सकते हैं क्योंकि हर्टवुड जो होती है इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो इन रोगों के उपचार में मदद करते हैं। इन मेडिसिनल यूजेस के अलावा हम कुछ अदर यूजेस भी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेलवे स्लीपर, पुल निर्माण, नाव निर्माण, खंभे, बैलगाड़ियों के पहिए आदि में इसका उपयोग किया जाता है। हल्की किस्म का इससे फर्नीचर बना सकते हैं। इसके तने से ओलियो रेजिन प्राप्त होता है जिसका उपयोग धूप सामग्री, पेंट, जूता पॉलिश में किया जाता है। साल डामर के आसवन से चूहा तेल प्राप्त होता है जो इत्र निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से साल बटर प्राप्त कर सकते हैं जिस बटर को हम चॉकलेट निर्माण में काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि जो साल या शोरिया रोबस्टा है इसका बहुत अधिक आर्थिक महत्व होता है। कई तरह के रोगों के उपचार में इसके तत्वों को हम उपयोग में लेते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है हमारे इंडिया का। थैंक यू।